दोनों कितना खुशी है दोस्तों। दोस्तों आप लोग को एक बहुत खुशी का बात शेयर करना चाहती हूँ। खुशी का बात ये है कि मेरा दोनों बेटा एग्ज़ाम में पास हो गया। तो वो लोग हमको बोला था रिजल्ट निकालने से पहले, मतलब कुछ हमको डिमांड किया था, बहुत बड़ा डिमांड नहीं है, बस छोटा, वो दोनों का ऐसे छोटा वाला डिमांड है। मेरा बच्चा लोग बहुत क्यूट क्यूट वाला डिमांड करता है। तो पीछे देखो, पीछे, पीछे तो देखो। तो दोस्तों मेरा बच्चा दोनों का डिमांड ये था कि रेन, क्या बोलते हैं, रामेन। ये है इतना क्यूट वाला डिमांड है दोनों का। तो आज दोनों रामेन खाना चाहते हैं। तो देखिए रामेन, वो दोनों का रेसिपी रामेन का हम तो बना के नहीं देखा है, सिर्फ हम खाता है, दो तीन बार खा चुका है, वो जाले। तो ये दोनों खा सकेगा कि नहीं सकेगा, देखते आप लोग भी देखते रहिए ये दोनों खा पाएगा कि नहीं। कितना बहुत जाल होता है हमको पता है, लेकिन थोड़ा हल्का से जाल वाला है क्या आप दोनों का। लेकिन आप लोग देखिए इसका बेटा का रेसिपी भी पिएगा काटते समय में इसको। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और मेरा बेटा दोनों का रामेन का रेसिपी देखिए। तो वो दोनों रामेन का साथ में ये खाएंगे, एग्स खाएंगे। हम चिकन खाने के लिए ऑफर दिया था, लेकिन वो दोनों अंडा ज़्यादा बेटर रहेगा बोला है, इसलिए हम अंडा बॉयल कर दे रहे हैं दोनों को। रामेन बनाने का कुछ अलग तरीका होता है। दोनों सबसे पहले गर्म पानी बिठा रहा है कढ़ाई में। अच्छा, आप दोनों का ये रामेन का रेसिपी आप दोनों कहाँ से सीखा है? मत हिलो। तत्ता मतलब मासी माँ सिखाया है ना? हाँ, ज़्यादातर ऐसे ही रेसिपी बनता होगा। कोई लोग कहते हैं डायरेक्ट से पानी में ऐसे करके सॉस डाल देता, हम लोग अलग से। आप दोनों का अलग है ना, तो देखते हैं ये दोनों का रेसिपी कैसे होता है। ये क्या हरकत है रे, अभी खींचे तो डालेगा, पानी थोड़ा कम पड़ गया है। इसको थोड़ा देर उबलने देखिए, ये पानी को फेंक देगा ना, पानी को फेंक के इसका ऐसा करने से पानी, ये सॉस डालेंगे और ये सेसमी सीड्स डालेंगे ऐसे करने। दोनों कितना खुशी है दोस्तों। वैसे ना हम ये दोनों को ऐसे ये सब क्या होता है रामेन वगैरह हम ज़्यादा नहीं खिलाते, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं खाना है, बहुत स्पाइसी होता है ना, पेट का प्रॉब्लम हो जाएगा ना इसके लिए। इसलिए अभी हम बहुत दिन का बाद ये दोनों को खिला रहे थे। अभी पूरा मामा को आके पप्पी सप्पी वगैरह देता है। और आप दोनों इसका बाद और कब खाएंगे बता दें भैया? आप जब खाओ बोलेगा ना, अभी थोड़ा दिन का बाद, थोड़ा दिन तक मत मांगो हाँ, क्योंकि ऐसे चीज़ ज़्यादा नहीं खाना है ना, तो पेट के लिए प्रॉब्लम होगा। अभी हो गया ये, अभी गैस ऑफ कर देंगे और ये पानी फेंक देगा अभी ना, इसके बाद में मसाला नहीं सॉस वगैरह डाल देंगे। बंकू, आपका अभी आप कितना क्लास हो गया गाइस को बताओ, व्यूअर्स को? क्लास एट। तब तो आप अभी बोर्ड एग्जाम होगा ना आपका नेक्स्ट में, तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा ना, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना। ओके, आप गाइस को बता दो आप अभी कितना क्लास हो गया। हाँ, क्लास 5 हो गया। 5 हो गया ना, तो आपका भी बोर्ड एग्जाम होगा ना नेक्स्ट में। ओके, तो आप बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको भी। अभी अपना बोल में डाल रहे हैं। आई दो पैकेट इतना कम हो गया क्या? आई तीन पैकेट लेने से दिखता ना, हो जाएगा कम भी हो गया तो। उनका साथ खाने के लिए बेटा अंडा छिल रहे हैं, डालेंगे सॉस ना। कौन सा हम लिया था? आई कैन स्मेल। अब मिक्स करने नहीं आते बाबू को, भैया को करने दो बाबू को।
हाँ तो ये थोड़ा कलर जो इतना भी लाल नहीं लग रहा है ना, वो एक तो बहुत लाल होते हैं ना। अब मुझे नहीं, मेरा और सब जो ये है सेसमी सीड्स ना, इसका भी मिलता होगा अलग से, ये भी ले लेगा। नारुतो को बहुत पसंद है, हम सी वीड भी डालता है। उसका साथ खाएंगे, स्टार्ट करो। तो देखिए बच्चों का रामेन पूरा रेडी हो गया, आ रहा है बच्चों का रामेन लो अभी खाने के लिए रेडी। थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मा, वेलकम। और भी नेक्स्ट साल इससे ज़्यादा ये परसेंटेज मिलो दे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि नेक्स्ट साल आप लोग का क्या है बोर्ड एग्जाम ना। अब व्यूअर्स लुक को मुखबंग खा के दिखाओ ना। हम तब तक के लिए बहन को लेने जाएगा, जेमी को लेने जाएगा, जेमी दादी का पास में उधर किसी का साथ में है, किसी का घर में गया है, तो वहाँ से कॉल आ रहा है हमको जेमी को लेने के लिए आ बोल के। तो मैं जा रही हूँ और आप दोनों मुखबंग करके बैठो, किस जगह झाल होगा तो स्पाइसी हो जाएगा। हम जैसे कि स्टार्टिंग में बोला था टबास्को सॉस रामेन का सकती है। स्पाइसी, एक बार रेडी, एक साथ 3 2 1। एक चैलेंज भी करते हैं क्या, खाते समय कुछ भी नहीं पीना। चलो बास्केट, जेमी भी आ गया, जेमी को लेके मैं आ गई हूँ। मेरा बच्चा लोग ना, बड़ा बेटा तो ठीक है, छोटा बेटा सब्जी जब जाल होते हैं ना तो हमको इतना गुस्सा करता है, लेकिन अभी पता चला है उसका एक अलग बहाना है जाल का, खाना खाने मन नहीं हो के। देखो हम किसी रुपये दिए भैया आ रही है ना, पूरा आप लोगों का लिप्स भी लाल लाल हो गया था। यो साइड को मुंह से तो देखो ना, दोनों का नाक से भी पानी बह रहा है। Okay.
गया आप दोनों का फिनिश ना, कौन जीता है? छोटू जीत गया ना। अभी लास्ट में क्या खा रहा है? दूध, मलाई। मलाई खा रहा है ना। दोस्तों आप लोग को पता होगा ज़्यादा स्पाइसी होने से दूध पीना चाहिए, जूल झाल को थोड़ा कम करता है ना। तो आप लोग जब भी ऐसे रामेन वगैरह खाएगा ना, दूध साथ में रख के खाइए। आप लोग क्या खा रहे हैं अभी? गुड़ खा रहे। थोड़ा जाल कम नहीं हुआ है? ऐसे ला दूध 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 तो ख़त्म कर दिया ना एक पैकेट जो। तो गाइस आज का विनर है 500 रुपया का, मतलब आज जो विनर होगा वो 500 देगा। तो भैया तो अभी नहीं मिलेगा, तो भाई को देगा 500। ये आपका 500, आप उससे कुछ भी खरीद के खा लेना। तो विनर इज विनर छोटू बेटा। तो दोस्तों अभी गुड नाइट बोलने का टाइम आ गया है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाय बाय बाय, गुड नाइट बाय।